धीरे धीरे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे धीरे धीरे दिखले जीने को क्या चाहिए, ना तू दास तेरे पास पास मैं रहूं बस जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया तू मिले दिखले, और जीने को क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपने सुना मेरे हस्बैंड का सॉन्ग, और अंदर रूम में अभी सोया हुआ था, क्यूटी सा लग रहा था, कैटी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, आप भी देखिए कैसे सोया हुआ है। तो ये अब दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैं ज़ोमैटो से मैंने ऑर्डर किया था डोसा, तो डोसा हम खाने वाले थे, सोचा थोड़ी सी क्लिप आपको भी दिखा दें और आपसे भी पूछा जाए, खा लीजिए आप भी। और यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही थी कि मेरी भी थोड़ी से बना दे, मेरी शक्ल इतनी भी गंदी नहीं है कि तू मेरी वीडियो नहीं बना रही, तो वो बोल रही थी मम्मा आपके मुंह पे ना लाइट पड़ रही है इसलिए मैं आपके नहीं बना रही हूँ और डोसे की बनाती हूँ सिर्फ। तो लीजिए आप भी खा लीजिए गरम गरम डोसा। तो लीजिए अब शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और डाल रही हूँ उसमें तेल, जब तक तेल गर्म होता है मैं उसमें डाल दूंगी वो अदरक और लहसुन जो मैंने बारीक बारीक काटा है, प्याज भी काट के रख लिया था साइड में, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं प्याज डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज और साथ में मैंने रखी हुई है कॉफ़ी बनने के लिए, और शाम का टाइम था ना तो गरम गरम कॉफ़ी पी जाए, ठंड बहुत हो रही थी, तो ये डाल दी उसमें मैंने पहले हल्दी, नमक बाद में डालूंगी नहीं तो पानी छोड़ जाती है सब्ज़ी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो प्याज होंगे तो मैं उसमें डाल दूंगी मटर, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर गोभी गाजर नहीं सॉरी मटर गोभी आलू। तो अब उसमें डाल रही हूँ मैं गोभी, जब गोभी अच्छी तरह से पकने लगेगी तब मैं उसमें डालूंगी आलू। ये गोभी मैंने डाल दी है वॉश करके और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसको। अब इसमें मिला रही हूँ मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे घर में नमक मिर्च तेज खाते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ आलू, आलू मैंने काट के अच्छी तरह से वॉश करके रख लिए थे और अब इसको मैं ढक्कन से ढक दूंगी, ये मतलब भाप से ही हो जाएंगे आलू, मिक्स नहीं किए मैंने अभी, तो अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ, थोड़े से गल चुके थे आलू। मिर्ची अभी नहीं डाली है मैंने, मिर्ची बाद में डालूंगी, और मैजिक मसाला का पैकेट भी मैंने मंगवाया हुआ था वो भी बाद में डालूंगी, उसके बिना तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये साइड में मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी के पाउच में दूध में डाल रही हूँ, जब तक सब्जी तैयार होगी तब तक हम पियेंगे कॉफ़ी। अब इसमें मैं मिला रही हूँ रेड मिर्ची वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। लो जी हमारी कॉफी तैयार है, अब मैं डालूंगी इसको कप में। मैं
आप सबसे पूछ रही हूँ, आप भी पी लीजिए, लीजिए आप भी कॉफी पीजिए। लो जी सब्जी भी बन गई है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ मसाला, मैजिक मसाला, और पानी भी सूख चुका है और बन गई हमारी सब्जी। हमारे घर में ऐसी सब्जी खाते हैं, मतलब लिस्सी पिस्सी खाते हैं, कई खड़ी गोभी खाते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसी खाते हैं। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और रात को मैं मतलब थक चुकी थी तो बनाई नहीं वीडियो रोटी बनाने की और खाना खाने की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम बना रहे थे मूली के परांठे, और यहाँ पे मैं आपके सामने मूली कद्दूकस कर रही हूँ। मूली को मैंने वॉश कर लिया था, काट लिया था, छील लिया था, और अब बनाने जा रही हूँ मैं परांठी मूली की। मुझे ना ज़्यादातर अच्छा लगता है दो पेड़े में बनाना, लेकिन हमारे घर में सारे एक पेड़े की खाते हैं मूली के परौंठा, बट पानी छोड़ता ना मूली इसीलिए चकला देखो कितना गंदा हो जाता है एक ही परौंठा बनाने में। तो पानी अपनी तरफ से तो सारा ही निकाल दिया था मूली का, बट जो रह गया था उससे थोड़ा बहुत रह ही जाता है, इसलिए मुझे दो पेड़ों में अच्छी लगती है बनानी, बट फिर भी बना रही थी क्योंकि चिपक जाती है चकले से, बेलन से। साथ में मैंने बनाई है चाय, साथ में था देसी घी। हमारी परौंठी बनके तैयार है, लीजिए आप भी खा लीजिए देसी घी के साथ। लो जी अपना नाश्ता मैं लेकर आ गई हूँ ऊपर छत पे, और साथ साथ एंजॉय कर रही हूँ धूप और अपना नाश्ता। लो जी आप भी खा लो, और ये मैं आरुष के आगे पीछे घूम रही थी, तू भी खा ले आरुष, खाता नहीं है, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत खा ले, चलो मन को तसल्ली हो जाती है, हाँ बच्चे ने कुछ खा लिया। और आज के दिन ना पतंग बहुत उड़ रहे थे क्योंकि लोहड़ी वाले दिन उड़ने थे, लोहड़ी वाले दिन बहुत बारिश पड़ी, जब रात हो गई तब बारिश हटी, तो पतंग तो वैसे ही रह गए जिन्होंने ली थी, लिए होंगे जिन्होंने काइट्स, तो वहाँ पे बहुत उड़ रहे थे हमारे यहाँ पे, तो साथ में बच्चे ऊपर देख रहे थे पतंगबाजी, और साथ में मैं नाश्ता, और अब मैं नीचे आ गई हूँ नहा धो के फ्री हुई हूँ, और आपके सामने दिखा रही हूँ आपको कि ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ मैंने, प्लस रेड कलर का मैंने पैजामा पहना हुआ है, आज प्लस रेड दुपट्टा बनाया, जैसे कि आप फ्रंट हमने खा ली, ऊपर धूप में गई थी तो खा के उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने नहाई कर ली, और आज मैंने पहना है ये ग्रीन सूट, आपको दिखाती हूँ, आज मैंने ये पहना है ग्रीन सूट है, और रेड कलर का ये प्लाजो पहना हुआ मैंने साथ, साथ में मैंने बनाया हुआ है चिमड़ा। वैसे ये वेलवेट का है, ये देखो रेड कलर की इसमें मैंने स्लीव लगाई हुई है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे ये वीडियो में दिख रहा है ना सेम है, यही कलर है, ग्रीन कलर है, और इसमें ये छोटे छोटे जो डॉट्स पड़े हुए हैं ये मेरे सूट का डिज़ाइन है। ये बहुत ही मतलब गर्म नहीं ज़्यादा कह सकती, ठीक है ऐसी ठंड में पहनने लायक है, तो मैं निकाल लिया इसको, सोचा अभी नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, ठंड अब जा रही है, थोड़े दिन रह गए हैं, आई बसंत पाला उड़ान थे, लोहड़ी तो चली गई है, अब बस बसंत आने वाली, कितने दिन रह गए, बस थोड़े से दिन रह गए, तो सोचे चलो निकाल के डाले जाएं। बहुत सारे ऐसे सूट्स रह जाते हैं जो मतलब सर्दी में, इस बार मैंने पहने ही नहीं है, इतने सारे सूट रह गए, जब भी बेड खोलो या अलमारी खोलो तो पता चलता है यार ये तो मैंने पहना ही नहीं था,
बस बिजी इतना रहती हूँ, बच्चों में, यूट्यूब में, और तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने ये तो पहना ही नहीं था, बेड नहीं खोला, अलमारी नहीं खोली, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो जब भी मिलता है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ और उसको पहन लेती हूँ। चलो शुक्र है इस टाइम पहना जाएगा, बाद में फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो भी फिर ज़्यादा फील होना था कि सर्दी निकल गई, पता ही नहीं चला, और अब कपड़े निकल रहे हैं। सारा काम हो चुका है, डस्टिंग भी हमारी हो गई है, और डस्टिंग पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बैटरी बहुत लो थी, और इसलिए मैंने वो चार्जिंग पे लगा दिया था फ़ोन। मैं वीडियोस जो है फ़ोन पर ही बनाती हूँ अपने, रात को चार्जिंग पर नहीं लगाया था इसलिए बैटरी लो थी, इसलिए मैंने सुबह फिर उसको लगा दिया चार्जिंग पे। अब मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, तकरीबन अब टाइम हो गया है 3 बजे का, आई थिंक 3 बज गए होंगे। तो गाइस मैंने आपके साथ ना शेयर करनी थी, एक इतनी बड़ी खुशखबरी है ना, मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको क्योंकि घर वालों ने मना किया है, थोड़े दिन के बाद मैं आपको बताऊँगी, और उतनी देर तक आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सी खुशी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके बता देना कि इतनी बड़ी खुशखबरी कौन सी हो सकती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि हम आपको अच्छी तरह से जानने लग गए हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार करते जाने लग पड़े हो तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मतलब कि ना मैं कमेंट पढ़ूंगी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप क्या क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, कि कौन सी खुशखबरी हो सकती है वो। मैं भी देखूँगा आप सब क्या सोचते हो मेरे बारे में और कितना जानते हो मुझे अच्छी तरह से, मैं देखना चाहती हूँ। मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगी 1-2 दिनों में, उससे पहले आप मुझे बताओ पहले कि कौन सी खुशी होगी वो। दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं उस रूम में, और साथ वाले रूम में, और यहाँ पर मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं बच्चों को इस वीडियो में इसलिए नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैं लेकर आई थी, तो उसमें एक ऑप्शन अब आता है ना कि ये बच्चों के लिए कंटेंट है या नहीं है, तो उसमें बच्चे थे इसलिए मैंने यस लिख दिया, यस कर दिया, तो फिर उसके ना जो कमेंट्स थे वो डिसेबल हो गए, इसलिए मैं अब की वीडियो में उनको नहीं लेके आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कमेंट्स जो है वो डिसेबल हो जाए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बच्चों को इस वीडियो में नहीं लिया। मैं वैसे बहुत लाउड बोलती हूँ और यहाँ पे मैं धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे आवाज़ जो है थोड़ी गूंज रही है, और मुझे लगता है कि बाहर आवाज़ ना जाए, अगर बाहर मेरी आवाज़ चली गई तो मेरा बेटा अभी अंदर आ जाएगा कि मम्मा यहाँ पे है और मम्मा सो नहीं रहे हैं और मम्मा ज़रूर वीडियो बना रही है। उसे जब पता चलता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो जान के कैमरे के सामने आएगा और हेलो हाय हाय बोलेगा वो, तो इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, आप सोचो ना कि भाई पता नहीं क्यों स्लो बोल रही है। हाँ एक ज़रूरी बात कि जो भी मेरी वीडियो पे बहुत सारे डिसलाइक देता है, बहुत सारे डिसलाइक आते हैं मुझे, कोई बात नहीं, वैसे उनकी मर्ज़ी है, डिसलाइक देते हो तो आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती होगी तभी तो देते हो। आपके डिसलाइक देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं है कि कितने लाइक है कितने डिसलाइक है, बस इतना है कि आप मेरी वीडियो देख लेते हो तो मुझे व्यू मिल जाता है, बस व्यू से लेना देना है मुझे। हाँ आप व्यू दे के चले जाते हो तो डिसलाइक देने ज़रूर आते हो, बट व्यू भी तो आता है ना साथ। आ गया बेटा, हेलो हेलो, आई मिला बच्चा, देखा इसलिए मैं धीरे बोल रही थी, आ गया। छोड़ने भाई, छोड़ने भाई, छोड़ने छोड़ने, यहाँ पे बिंदी लगा दो, मम्मा के यहाँ पे बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो यहाँ पे, ये बिंदी लेके बैठे हो आप, कितनी बड़ी बिंदी, ओए 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 बिंदी, ये रही बिंदी लेके घूम रहा है। मम्मा ने लगा रही, ठीक लग रही है। वैसे मैं ना बिंदी बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ही कम, रेड कलर की भी है, रेड कलर लगा के देखते हो साथ, काफी बिंदी है ना, ज्यादा ऊपर लगी बिंदी। हाँ अब ठीक है, मैं ना बिंदी वैसे बहुत कम लगाती हूँ, इतनी नहीं लगाती हूँ, पर जब भी लगाती हूँ ना तो सभी बोलते हैं अच्छी लग रही है, वैसे छोटी बिंदी लगाती हूँ, कोई दिन त्योहार हो ना फिर बड़ी लगाती हूँ ना, फिर अलग सा मतलब चेहरा लगता है,
मैं आप देखते होंगे मेरी हर वीडियो में, मैं कानों में कुछ नहीं डालती हूँ। पता है क्या, मेरे ना कान जो है बहुत ही मतलब छोटे छोटे हैं, इसमें छेद, तो कान दर्द होने लग पड़ते हैं। गले में भी नहीं कुछ डाल सकती है। एलर्जी तो चलो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। ऊपर ऊपर माउथ करके बोलो बाय बाय बाय।